अस्सी काटा 80 रुपीज़ का। ओए ये हो गया कि इनके पास फोन नहीं है, उसी में पीएनआर। रात में कुछ घटना घटा है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ी जंक्शन जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी हम लोग KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आज हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 11302 उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से CSMT रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है शाम में 8:40 पे KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 8:15 पे CSMT रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। देखिए यहाँ पर ये देखिए परेशान किया जा रहा है। नशे में हो क्या? क्या जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ नशे में आकर जबरदस्ती क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? खाना चाहिए तो आराम से भी तो बोल सकते हो भाई। बोल दिया ना। कहाँ बोले, आप धक्का मार रहे हो। अभी नशे में हो, ऊपर से बोल रहे हो खाना चाहिए और धक्का मार रहे हो, ऐसे नहीं ना होता है। तो भाई ये आ चुकी है अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और इस ट्रेन में आज हम लोग की जो यात्रा है वो होने वाली है स्लीपर कोच में। मस्त गुलाब जामुन भी इस रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। ये भी कोई स्वीट्स है, ये भी मिल जाएगा, पेड़ा वगैरह। ये देखिए ये बिस्किट है कि पेड़ा है, ये बिस्किट है। खाएगा है नहीं खाएगा? वजन बढ़ जाएगा भैया, वजन बढ़ जाएगा। ओके तो भाई अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है 4 मिनट के देरी से और देखिए यहाँ पे मसाज चेयर भी है, आप मसाज वगैरह भी करवा सकते हैं KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। तो आज के जर्नी में ये रहा हम लोग का सीट, अपर बर्थ है, साइड अपर बर्थ मिला है। तो चलिए बेड शीट बिछाते हैं। तो ये बेड शीट हम लोगों ने बिछा लिया, बैग यहाँ है। पिल्लो तो नहीं है भाई, स्लीपर में पिल्लो तो मिलता नहीं है। कोई नहीं, किसी पे काम चला लेंगे। एक अंडा बिरयानी दीजिए इधर भी। कितने का ये? 100 रुपये का अंडा बिरयानी, 100 का है। तो भाई देखिए इस ट्रेन में, उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में अभी अंडा बिरयानी 100 का बोल रहे थे और देखिए अभी जब बोले हैं तो बोले 90 दे दीजिए। नहीं वेजिटेबल, ये 90 का ही। क्या वेज? वेज 80 का होता है। वेज 90 का दिया, 80 का होता है। आप किस हिसाब से दे रहे हैं, इसका बिल दीजिएगा आप। अच्छा बिल दीजिएगा, मैनेजर कहाँ आपका? कंप्लेंट करना पड़ेगा। 10 रुपये एक्स्ट्रा, 80 रुपये काटिए उनका, काटिए 80 रुपये। 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं सबसे, बिल मांगिएगा तो अभी आ जाएगा 80 रुपये का बिल। बताइए भाई, इस ट्रेन में उम्मीद नहीं था कि ये होगा उद्यान एक्सप्रेस में। बताइए 10 रुपये एक्स्ट्रा वेज बिरयानी पे, 10 रुपये एक्स्ट्रा अंडा बिरयानी पे लिया जा रहा है सभी पैसेंजर से। आपको भी अंडा बिरयानी कितना में दिया गया है? कितना में अंडा बिरयानी मिला आपको? 100 रुपीज़, 90 रुपीज़ का होता है। 10 रुपये रिटर्न लीजिए, रिटर्न लीजिए आप भी। 80 रुपये काटिए, ये पकड़ो, ये पकड़ो। अब मैनेजर कौन है उनको भेजिए आप। 240 ले लो यार, 240 आपको कौन दिया? अभी दिया ना, दिनों दिए ना। हाँ नहीं, आपको जो दिया शायद उधर गया, उधर गया। कितना सर? 90 रुपीज़ है और वेज बिरयानी 80 रुपीज़ है। रुक जाओ पहले उनका कटवाने दो। 80 काटा, 80 रुपीज़ का ही होता है। ये लोग 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, पैसेंजर को नहीं मालूम होता है ना। तो भाई अगर आप बिल का डिमांड कीजिएगा ना तो 80 का ही बिल आएगा, ये सीन है। पैसा दो इनको अंडा बिरयानी का। तो 27 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का दूसरा हॉल्ट यलहंका रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे यलहंका रेलवे स्टेशन पे उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 9:20 और हम लोग की ट्रेन जो है ना यहाँ पहुँची है 20 मिनट डिले। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है यलहंका और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना
60 ट्रेन आकर रुकती है, मतलब 60 ट्रेन आकर यहाँ पे रुकती है। वैसे यलहंका से पहले अपनी उदयान एक्सप्रेस ट्रेन ये रुकी थी बेंगलुरु कैंट रेलवे स्टेशन पे, वहाँ भी अपनी ट्रेन का हॉल्ट था 2 मिनट का। ये है यलहंका रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और देखिए और उस साइड प्लेटफॉर्म नंबर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में ट्रेन है, इस साइड भी प्लेटफॉर्म और उस साइड भी प्लेटफॉर्म। हम तो यहीं पे थे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक शानदार सा ऑफर के बारे में, जहां पे आप सभी को मिल सकता है एक ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपया में। विश्वास नहीं हुआ ना, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बताते हैं कैसे आप सभी को मिल सकता है आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपया में। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे आप सभी को मिल सकता है आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपया में। सीक्रेट है आपके क्रिकेट का क्रेज। 22 मार्च को शुरू हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल आईपीएल, जिसका पहला मैच है बेंगलोर और चेन्नई के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अभी टीम बनाओ। माई 11 सर्कल ऑफिशियल आईपीएल स्पॉन्सर भी है। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिले। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही बड़ा आपको प्राइज मिले। और हाँ, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इस ऐप के एक्सपर्ट टीम सेक्शन से टीम कॉपी कर लो। तो अभी माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फी है ओनली ₹1, और ये जो कॉन्टेस्ट है ना सिर्फ 22 मार्च के मैच के लिए ही वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए ही है, और ये मेरे दिए हुए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। आप आईपीएल के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट प्राइज है 1 करोड़ का। तो सोचो कितने बड़े प्राइजेस होंगे। इतना ही नहीं, पहले 5 मैचेस में टॉप 10 प्लेयर्स को मिलेगा महिंद्रा थार, वो भी हर दिन। सो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा तो फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपना टीम बना लिया माई 11 सर्कल पे, तो इंतजार क्या कर रहे हो? आप लोग भी माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट आप लोग भी बेंगलोर चेन्नई के मैच के लिए टीम बनाइए। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेले। सुबह से अभी रात के बज रहे हैं 9:50। डिनर वगैरह हम लोग मतलब करके ही आए थे, फिर भी एक बिरयानी ले लिए हैं। हम लोग 2 लोग हैं, हाफ हाफ खा लेते हैं। वैसे इस ट्रेन में उद्यान एक्सप्रेस में साइड पेंट्री है, पेंट्री नहीं है। कोशिश कीजिए घर से ही खाना लेकर आए, नहीं तो आप देख ही रहे हैं मतलब साइड पेंट्री में भी ओवर प्राइस खाना बेचा जा रहा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा हर चीज़ पर बढ़ा के बेचा जा रहा है। वो तो हम देखे तो बाकी पैसेंजर का जो भी पैसा था वो रिटर्न करवाए। आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस ट्रेन में ट्रैवल भी किए होंगे। तो भाई जब भी ट्रैवल करते हैं, अगर आपके आंखों के सामने में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, ओवर प्राइस लिया जा रहा है, तो बोलिए, चुप मत बैठिए। चुप बैठना समझ रहे मतलब बढ़ावा देना, ऐसा काम आप लोग मत कीजिएगा। अगर आपके सामने ओवर प्राइस लिया जा रहा है, आप भले ही खुद खरीद के अगर नहीं खा रहे हैं वो चीज़, लेकिन दूसरे लोगों से अगर ओवर प्राइस चार्ज किया जा रहा है तो उस वक्त आप बोलिए, समझे। सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो करप्शन चल रहा है ना उस पर लगाम लगाया जा सकता है। वैसे चलिए एक बिरयानी लिए हैं, हाफ हाफ दोनों भाई हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। रेल नीर, तो भाई साहब देखे मतलब रेल नीर भी नहीं बेचा जा रहा है, लोकल पानी बेचा जा रहा है इस पर। तो भाई बिरयानी कैसा है? ओके ओके। तो गाइस चलिए अब सोते हैं, खाना पीना तो अपना हो गया, मिलते हैं आपसे सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो 532 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 18वां हॉल्ट वड़ी जंक्शन, जो कि कर्नाटका में ही आता है। और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का वड़ी जंक्शन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:05 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 15 मिनट डिले। वैसे 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है वड़ी। और क्या आप सभी को पता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट कहाँ पे है? वड़ी में ही है, ACC का। साथ ही वड़ी जो है अपने लाइम स्टोन माइंस के लिए भी जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले सोकर अभी जस्ट उठे हैं, फ्रेश व्रेश भी नहीं हुए हैं, चेहरा थोड़ा सूजा सूजा लग रहा होगा। अब यहाँ से डिपार्चर होता है तो फ्रेश व्रेश हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो क्राउड जो है ना नॉर्मल ही है यहाँ तक ट्रेन में, स्लीपर कोच की मैं बात कर रहा हूँ। और रात में कुछ घटना घटा है वो मैं आपको बताता हूँ वड़ी जंक्शन के बाद। तो हमने आपको बताया था कि जर्नी के दौरान कुछ समस्या हो गया है। समस्या ये हुआ है कि अपने कोच के जो को पैसेंजर थे ना, उनका फ़ोन रात में चोरी हो गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कोच में सिर्फ एक फ़ोन चोरी हुआ है, पूरी ट्रेन में टीवी सर से भी बातचीत हो रहा था, 3 फ़ोन चोरी किया गया है। तो जब भी इस ट्रेन में ट्रैवल करें तो थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि ये चोर वाला ट्रेन है भाई साहब। अब देख लीजिए 3-3 फ़ोन चोरी हो रहा है, ये स्लीपर की कहानी है। पता नहीं टीटी सर से हम पूछे नहीं कि बाकी का 2 फ़ोन इसी कोच में चोरी हुआ या स्लीपर में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी ट्रैवल करें थोड़ा सतर्क होकर ट्रैवल करें, इस ट्रेन में चोरी होता है। मेरे को पैसेंजर के साथ ऐसा हुआ है, पूछते हैं कहाँ से हुआ कैसे हुआ, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये भाई कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? कल्याण तक। तो बेंगलोर से कल्याण तक ये ट्रैवल कर रहे हैं, और इनका ये मिडिल वाला मिडिल बर्थ था। और फ़ोन कहाँ जेब में था, कहाँ था? नहीं, मेरा पास ही था फ़ोन, इनके पास ही था। रात में कब पता चला तुम्हारा फ़ोन चोरी हो गया? सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं इनका फ़ोन इनके पास नहीं है। फिर ये टीटी सर आते हैं, उन्हें कंप्लेन करते हैं। दिक्कत ये हो गया, समस्या ये हो गया कि इनके पास फ़ोन नहीं है, उसी में PNR और टिकट वगैरह उसी में था, तो उसी से ये कंप्लेंट कर सकते थे। लेकिन इनके पास PNR नहीं है, अब करना क्या हुआ, को पैसेंजर का PNR से ये कंप्लेंट कर सकते हैं। सुबह से ही ये परेशान है। वैसे लोकेशन ट्रैक किया जा रहा है, तो मतलब बताया जा रहा ट्रेन में ही है, और रिंग हो रहा है अभी भी। तो 620 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं दुधनी रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे अपनी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का दुधनी रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 8:53 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 30 मिनट डिले। बेचारा जिस भाई का फ़ोन जो चोरी हुआ ना, फ़ोन में बहुत सारा डेटा था, काफ़ी परेशान है, कंप्लेन हुआ है। लेकिन पता ही है ना, चोरी होने के बाद कुछ होता नहीं है, सामान आपका वापस मिलता नहीं है। इसलिए जब भी ट्रैवल करें ध्यान रखें। उनका इंटर्नशिप था, वो इंटर्नशिप देने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन गलती इनका भी है मेरे समझ से, क्योंकि जैसा वो बता रहे थे कि फ़ोन को रख के सीट पे सो गए थे। भाई ऐसा मत कीजिए, ठीक है? ऐसा कीजिएगा तो भाई कोई इतना बढ़िया मौका कोई छोड़ेगा? फ़ोन उठा के तो चला ही जाएगा, चाहे कोई चाय बेचने वाला हो या कोई भी हो, वो आके तो ले ही लेगा। कोशिश कीजिए जब भी ट्रैवल कीजिए तो चेन वाला लोअर वगैरह पहन के ट्रैवल कीजिए, तो स्लिंग बैग जो हम लेके चलते हैं उसमें फ़ोन रखिए, आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं, कार वो पहन के क्यों ट्रैवल करते हैं? क्योंकि 4-5 जेब रहता है, उसमें दोनों फ़ोन रख लिए, 2 फ़ोन रख लिए, पावर बैंक रख लिए, चार्जर रख लिए, सब जेब में ही लेके घूमते हैं। और बाकी का जो लगेज है उसे चेन से लॉक कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके साथ भी हो सकता है, जिसके साथ होता है ना उस पर जो बीतता है ना वो हम बता रहे हैं आपको। अब नहीं होता है ना तो उनको लगता है अरे क्या हो जाएगा भाई, ऐसे चोरी कर लेगा। लेकिन भाई कब क्या हो जाएगा ना, कहाँ नहीं जा सकता है। अब जूता चोरी हो सकता है ट्रेन में, ये तो मोबाइल है भाई।
यहाँ पे दो RPF आए थे, वो कंप्लेंट रिटर्न कंप्लेंट लेके गए हैं, फोन जो चोरी हुआ है। क्या क्या बोला गया? कल्याण में डालो, वही बेहतर होगा, नहीं तो इधर डाला तो इधर से उधर फॉरवर्ड करता है। अच्छा अच्छा, तो 682 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 24वां हॉल्ट महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अपनी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे सोलापुर रेलवे स्टेशन पे उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:55 और आज हम लोग की उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन सोलापुर पहुंची है सिर्फ 10 मिनट डिले। वैसे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है सोलापुर, और सोलापुर जो है ये जाना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, खास तौर पे सोलापुरी चादर यहाँ का फेमस है, आपको रेलवे स्टेशन पे भी देखने को मिल जाएगा। और खाने पीने की बात करें ना तो यहाँ का कुल्फी भी फेमस है, वो भी आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। वैसे स्टेशन से पहले ही ट्रेन में घूम घूम के वेंडर आते हैं बाहर के, वो बेचते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया होता है। तो भाई सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किए और देखिए टाइम हो रहा है 11:13, तो बनाना ले लिए हैं। वैसे इस ट्रेन में साइड पेंट्री है तो भाई इडली वड़ा वगैरह आपको मिल जाएगा। तो गाइस कुछ देर बाद पुणे सोलापुर इंटरसिटी का क्रॉसिंग होने वाला, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शानदार सा क्रॉसिंग। तो 760 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 25वां हॉल्ट कुर्डूवाड़ी रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। कुर्डूवाड़ी रेलवे स्टेशन ये महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहां पे अपनी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 12:00 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है बिल्कुल 1 घंटा डिले, एग्जैक्ट 1 घंटा डिले हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वैसे भाई भूख लगा हुआ, अभी यहाँ से ना साइड पेंट्री का खाना चढ़ेगा, उसके बाद देखते हैं, वेज थाली ऑर्डर किए हुए हैं, आता है फिर खाएंगे। वैसे अपनी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो टोटल 1135 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस ट्रेन को 1135 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 23 घंटा 35 मिनट का। वैसे अगर मैं हॉल्ट की बात करूँ तो इस ट्रेन का टोटल हॉल्ट है 31। ये चिलचिलाती हुई गर्मी और भूखा इंसान, भाई यहाँ से हमको लगा स्टैंडर्ड वेज मील चढ़ेगा, लेकिन यहाँ से बिरयानी चढ़ा है, तो दो ये अंडा बिरयानी हम लोगों ने लिया है 90 का, बिल्कुल गर्मा गर्म है, लेकिन वेज चढ़ाना चाहिए था ना, थाली नहीं मिला, नहीं तो दे देता। आया था हमका गाड़ी सुनिए, 2 मिनट गाड़ी लाए, कोई बात नहीं, जल्दी करो। अब क्या है कि कुर्डूवाड़ी में सिर्फ 2 मिनट का हॉल था, इस वजह से सिर्फ यही खाना चढ़ा। खाना था वेज थाली, आ गया अंडा बिरयानी, अब क्या करें, अब जो भी है, वेज बिरयानी चढ़ा है और अंडा बिरयानी चढ़ा है और चिकन बिरयानी चढ़ा है, रोटी वगैरह रोटी वाली थाली नहीं चढ़ी है। वैसे रोटी खाने का मन कर रहा था, लेकिन अब क्या करें, अब राइस ही खाना पड़ेगा। वैसे देखा जाए ना तो इस ट्रेन में उतना क्राउड नहीं है, मतलब जैसे नॉर्मली अपनी नॉर्थ की जो ट्रेन में होती है ना क्राउड, एकदम स्लीपर पैक, वैसा नहीं है,
सीट टू सीट पैसेंजर बैठे हुए हैं। ऐसे बिरयानी भी सही है, बढ़िया आप खा सकते हो। प्रॉपर ग्रेवी दिया गया है। रात में जो बिरयानी खाए थे ना वो उतना अच्छा नहीं था, अभी वाला सही है। ये देखिए, ये है अंगूर का बागान, अंगूर की खेती होती है यहाँ। जी तो 870 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 26वां हॉल्ट दौंद जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे अपनी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है दौंद रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे वैसे पहुंचने का टाइम है 2:25। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 3 जनरल कोच के साथ, 3 थर्ड AC का कोच है, 3 सेकेंड AC का कोच है, 1 HA1 कोच के साथ चलती है, साथ इसमें 2 थर्ड AC इकोनॉमी का कोच है और 8 स्लीपर क्लास का कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं एंड टू एंड स्लीपर क्लास में, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 510 रुपया। वही अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर है 1380 और सेकंड एसी का फेयर है 2000 रुपीज़। वही अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कीजिएगा, फर्स्ट एसी का कोच नहीं है, HA1 कोच है, तो फर्स्ट एसी सेकंड एसी कंबाइंड किया हुआ है, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 3400 रुपया अगर आप HA1 कोच में ट्रैवल करते हैं इंड टू इंड। तो वैसे अगर आप दौंद रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ का बटर मिल्क फेमस है, स्टॉल पे मिलेगा तो ले लीजिएगा। वैसे हम लोग की ट्रेन जहाँ लगी है ना वहाँ पे स्टॉल पे ये नहीं मिल रहा है फिलहाल, तो लेके जरूर दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में आए, वड़ा पाव नहीं खाए, बिरयानी वड़ा पाव 50 मंडा बिरयानी मिल रहा है, खा लिए भाई। तो भाई यहाँ से अभी अमरुद ले रहे हैं हम लोग, ये 30 का है, छोटा वाला 20 का है। वैसे अमरुद मीठा है, कलर देखिए इसका हल्का हल्का सा पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस जर्नी को बीच में ही रोकना पड़ रहा है क्योंकि अमन का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से पुणे में ही सोच रहे हैं, डिसाइड किया हम लोगों ने पुणे में ही डिबोर्ड कर जाएंगे ट्रेन से, मुंबई नहीं जाएंगे। सही नहीं हो रहा सर दर्द,
ठीक है कोई बात नहीं, पैकिंग कर लो उतर जाएंगे अगले स्टेशन पे, मोबाइल चार्ज कर लो। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे रेलवे स्टेशन, जो कि अपनी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का 28वां हॉल्ट है। और यहां पे अपनी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 4 बजे और हम लोग ट्रेन यहां पहुंच गए 10 मिनट डिले। हम लोग का टिकट जो है ना CSMT रेलवे स्टेशन तक था, लेकिन मेरे जो पार्टनर हैं उनको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से हम लोग यहीं पुणे में ही डिपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखिए पुणे तक तो ट्रेन लगभग पंक्चुअल है, रही बात साफ़ सफाई की तो साफ़ सफाई सही है, स्लीपर का भी मतलब काफ़ी हद तक जो है मेंटेन किया गया है। रही बात खाने पीने की, साइड पेंट्री है तो साइड पेंट्री से खाना वगैरह खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा साइड पेंट्री में ओवर प्राइस खाना बेचा जाता है, तो आपको क्या करना है बिल्कुल रेट टू रेट खाना परचेज़ करना है। कोशिश कीजिए पहले तो घर से ही खाना लेकर आइए, अगर घर से नहीं ला पाते हैं तो साइड पेंट्री से ले सकते हैं। वैसे स्टेशन पर भी बहुत सारा ऑप्शन है, वहाँ से भी आप परचेज़ वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन भी खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आज की जर्नी को ये रखते हैं, लेकिन हाँ भाई जर्नी तो लास्ट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में एसी कोच में कहीं भी किसी भी कोच में ट्रैवल करते हैं तो भाई मोबाइल वगैरह सही से रखिए, ठीक है। स्लिंग बैग ले लीजिए जैसे हम लेके ट्रैवल करते हैं, या कार्गो पैंट पहनिए या चेन वाला लोअर वगैरह पहनिए, नहीं तो आपका भी फ़ोन वगैरह चोरी हो सकता है। ऐसा घटना डेली का घटना है भाई, आज का नहीं है, हर रोज़ का ये कहानी है, 3 फोन चोरी हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, लगातार सर्वाग सज्जनी करते रहे, सुनते रहे, पीस बाय और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू।